विश्व कप टीम का ऐलान करने के बाद क्यों सदमे में आ गए सिलेक्टर्स? जो खिलाड़ी अकेले जिता सकता था मैच, उसे भी टीम में नहीं किया गया शामिल। बीसीसीआई में मच गया हड़कंप, करोड़ों फैंस की दुआ काम आई। विश्व कप की टीम में शामिल होंगे रिंकू सिंह, खुद रोहित शर्मा ने की मुलाकात। जिस खिलाड़ी को मिलने वाली थी रोहित के बाद टीम इंडिया की कप्तानी, उसे भी बिठा दिया गया बाहर। फूट फूट कर रोए सुनील शेट्टी के दामाद। अजीत आगरकर और जय शाह से जो गलती हुई है, अब लगता है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। T20 विश्व कप की टीम का ऐलान होने के बाद ही करोड़ों फैंस का दिल टूट गया, क्योंकि उनके चहेते क्रिकेटर्स को शामिल नहीं किया गया। जिस हार्दिक से फैंस नाराज है, उसे सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल कर लिया है, लेकिन सिलेक्टर से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। जो खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखता है, उसे भी टीम में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में भला विश्व कप कैसे भारत जीतेगा? उधर रिंकू सिंह को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। जिस तरह से रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, पूरा पक्का माना जा रहा था कि रिंकू सिंह को विश्व कप की टीम में जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें भी शामिल नहीं किया गया। अब रिंकू सिंह को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर उनके करोड़ों फैंस खुशी हो गए हैं, क्योंकि रिंकू सिंह 25 तारीख से पहले T20 विश्व कप की टीम में शामिल हो सकते हैं। रिंकू सिंह से मिलकर रोहित शर्मा ने क्या बात की है, उससे पहले आपको बताते हैं उस खिलाड़ी के बारे में जो रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया का अगला कप्तान माना जा रहा है, लेकिन उसे ही विश्व कप की टीम में शामिल नहीं किया गया। एक ऐसे खिलाड़ी का पत्ता काट दिया गया है जो अपने दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर टीम सिलेक्टर्स के फैसले को गलत ठहराया जा रहा है। रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के अगले कप्तान कौन होंगे, इस रेस में KL राहुल सबसे आगे माने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रोहित के बाद राहुल को ही भारतीय टीम के कप्तान की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि राहुल अच्छे फॉर्म में भी दिख रहे हैं, लेकिन टीम सिलेक्टर्स ने विश्व कप टीम से ही राहुल का पत्ता साफ कर दिया। टीम से नाम कटने के बाद KL राहुल भी गहरे सदमे में। बताया जा रहा है कि खुद सुनील शेट्टी ने दामाद राहुल से फोन पर बात की है और उन्हें सांत्वना दी है। भारतीय टीम में KL राहुल को शामिल नहीं करना हैरान करने वाला फैसला है। किसी ने नहीं सोचा था कि कप्तानी के लिए अगले दावेदार को ही टीम से बाहर कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि KL राहुल अच्छे फॉर्म में दिख रहे, फिर भी उन्हें टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। राहुल ने इस IPL सीजन में अभी तक कुल 10 मुकाबले खेले, जिनमें 40.60 की एवरेज से 406 रन बनाए। उन्होंने 142 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। खास बात यह है कि राहुल ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 में शामिल है। उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल काफी अनुभवी खिलाड़ी है, जो भारतीय टीम के साथ लंबे समय से खेल रहे हैं। वो भारतीय टीम के लिए खेलते हुए T20 में 2 शतक भी लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी टीम सिलेक्टर्स ने खिलाड़ी को नजरअंदाज किया, ये सबसे बड़ा झटका है। बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा राहुल को टीम में शामिल करने के फेवर में थे, लेकिन टॉप सिलेक्टर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब BCCI के अंदर ही 2 धड़े बन चुके हैं। कई बड़े खिलाड़ियों ने भी राहुल को टीम में शामिल करने की वकालत की है, क्योंकि राहुल अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं। लेकिन इसी बीच रिंकू सिंह को टीम में शामिल किए जाने को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। रिंकू सिंह का बल्ला IPL में भी चल रहा है, लेकिन उनको भी टीम में जगह नहीं दी गई थी। अब 25 तारीख से पहले रिंकू सिंह की वापसी की बात कही जा रही है, क्योंकि खुद रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह से इस मामले में बात की है। 2 मई को कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कप्तान और चयनकर्ता ने कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान सभी फैंस ये जानना चाहते थे कि आखिर रिंकू सिंह को टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया। रिंकू सिंह को लेकर अजीत आगरकर ने जवाब दिया है कि टीम को संतुलित करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्पिन गेंदबाज की जरूरत थी, जिसकी वजह से रिंकू सिंह की जगह नहीं बन पाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कप्तान रोहित शर्मा को वानखेड़े स्टेडियम में KKR टीम से मिलते हुए देखा गया, जहां कप्तान रोहित शर्मा रिंकू सिंह से बातचीत की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि रिंकू सिंह से रोहित शर्मा ने वादा किया है कि उन्हें टीम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ICC के नियमानुसार 25 मई तक टीम में बदलाव हो सकता है। ऐसे में रिंकू को लेकर फैंस की थोड़ी उम्मीदें बची हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रिंकू और राहुल को टीम में शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं।